कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्वतंत्र थाने में पूछता नहीं, ना कोई किताब है जो पढ़ेगा कि हमने इस आजादी कैसे दी, इसकी क्या मालूम है। ये सब खा गए देश को करोड़ों रुपये, अभी तोबा नहीं करता। मतलब किताबों में भी दर्शा नहीं रहे हैं, नहीं दर्शा रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है ना, नो स्वतंत्रता के बारे में नहीं, नहीं। पता हम जो है बम बनाते थे इधर अजमेर के अंदर है, पहाड़ी के अंदर, और वो बड़े थे हमसे छोटे थे तो बमों को ले जाते थे। क्या लेके जाते थे? बम फैक्ट्री थी। आप छोटा उम्र में कुरियर बनाया वहाँ आपने? बम बनाया नहीं, हमसे बड़े थे बाबा, हम लोग सप्लाई करते थे बच्चे। आप लेके? हाँ, बम्बई ले जा रहे हैं, सप्लाई ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ कहीं छोड़ भी दिया हमने। वो टैंक बम अलग बनाते थे, भाई इतने घंटे में टूट जाएगा, और भाई ये चार रोज में खत्म होगा, ये अभी के अभी छह घंटे में पूरा हो जाएगा, वो हमें पूरा समझा के देते। तो शायरी भी हमें जानता था कि अरे मार देंगे बच्चे पिस्तौल इनके, तो जब ज्यादा अंग्रेज शक्ति करता था तो फिर हम समझा, हम गायब हो जाते तो भूमि भूमिगत हो जाते, जब अंग्रेज शक्ति करता तो बच्चे नहीं पकड़े जाते तो। अब वो डरते थे बेचारे हमसे, ध्यान से मारते, तो जो तो बच्चे ही थे। जो पुलिस वाले कौन थे? वो तो इसी शहर के लोग, पुलिस वाले तो अंग्रेजों के थे सब, नौकर थे, पर है तो इसी शहर के। हाँ, इसी शहर के थे, जिले के थे, राजस्थान के थे। तो मतलब जहाँ जहाँ भी मेरा ख्याल है हमने सब जगह दक्षिण में हमारी बहुत डिमांड थी, मद्रास अजमेर के अंदर, कर्नाटक, मद्रास के पास ही है, मैसूर, बेंगलोर, सब जगह। तो जब आप ले जाते थे बम तो डर लगता होगा ना, कैसे ट्रेन में बैठ के ले जाते थे? ट्रेन में बैठ के ले जाते, ट्रेन से ही हमारी शायरी लग जाती, लेकिन वो भी डरते थे बच्चे सारे मारते थे, कहते भाई खुद तुम आओ तो हम तो पकड़े जाएंगे बड़े आदमी, तो मतलब बच्चा जान के छोड़ भी देगा, मतलब राम नारायण चौधरी वगैरह नहीं। वो हमारा दोनों जगह डिमांड था, सूफी लोगों में और क्रांति लोगों में, नरम दर जैसे गांधी जी थे तो और भी सूफी लोग थे नहीं तो, और गरम दर, गरम दर जैसे सुभाष बाबू है, चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर भी तो आए थे। हाँ, चंद्रशेखर वो भी मिले, वो भी अजमेर आए थे, वो जगह पे तिलक लगा के गए जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी ने मिले। तो चंद्रशेखर आजाद वो सब, लेकिन वो लोग नहीं, चंद्रशेखर ने जो कुछ अच्छा है, चंद्रशेखर आजाद और एक और था वो फैक्ट्री देख रहे हैं, तो वो भेष बदल के और वो फैक्ट्री देख के came in disguise and went to a factory। तो दो लड़के इनको ले गए शाय की काम, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो क्रांति करी, उन्होंने बोला था आपको दो लड़के ले जा सकते हैं और कोई किसी की दम नहीं हमारे ले जा सकते, वो आते जाते हैं यहाँ पर। और उन्होंने बोली कि मैं देखना चाहता हूँ, मुझे बड़ा खुशी रहता है आप यहाँ पर। वो भी बनाते थे अपने अपने वहाँ पर, मध्य प्रदेश में। क्या फैक्ट्री में क्या बनता था? बम बनाते थे, फैक्ट्री नहीं थी, जंगल था, मैंने जंगल के बीच में आपने बम की कारोबार डाल रखा था बड़े लोगों ने हमसे। हाँ, तो ले जाने तो आप ले गए चंद्रशेखर का काम था। तो आप चंद्रशेखर को ले गए, फिर ले जाके फिर उन्होंने बोली कि हमें थप्पड़ के शेर के बच्चे हैं, जो उन्होंने बोली साहब ये अच्छे बच्चे हैं, ये मरने से नहीं डरते, they're not scared of dying। घर वालों से भी बोली कि ठीक है साहब, आप भी आजादी के लिए करते हो,
तो कोई बात नहीं, ये भी मर जाएंगे तो कोई बात नहीं. So Chandrasekhar said that, you know, you're not scared of dying, and patted them on the back. And he's saying our family members also, let us be, let us do what we were doing. They also sort of, you know, relieved us of our household responsibility. तो वो कहने लगे कि यहाँ पानी भी है, यहाँ पानी भी है, कि ये बहुत खतरनाक जगह चंद्रशेखर. So this Gal place where they went, वहाँ पानी भी था. There was water. So he said this is a dangerous place. तो वहाँ पानी भी था, तो वो कहने लगे यहाँ शेर जरूर आता होगा, तो बिल्कुल आता, डेंजर. So if there's water in this forest, the lion, the tiger, तो यहाँ तो tiger ही होते थे. हाँ. The tiger must be coming. तो वो शेर को एक्टिंग चलती थी, शेर को पानी पी लेता था. So whenever the tiger would come for water, because there was a water water source, and they were doing this making of bombs, so the Satantrata Senis would maximum sit with the pistol, the gun, and point it towards the tiger for their protection. जब वो चले जाता था ना, तो वो बंदूक चलाते थे, तो इसको ये मालूम पड़ गया, जैसे सर्कस में भी सिखाते सीख जाते हैं. आपने कभी बैठा था वहाँ ऐसा बंदूक? जब शेर आया तब आप थे? हाँ, हाँ. और कभी आप बंदूक लेकर बैठा था? नहीं नहीं, मैं नहीं, और हमारे साथी. हम तो सो जाते थे, बच्चे थे, फिर हमें जगाते भी थे कि देखो दर्शन करो. क्या वो लोग हमें जितना काम देते, बच्चे थे ना, तो हमारा ख्याल भी रखते थे. तो ये बहुत जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है. तो फिर जो है अब जो है हमारा वारंट निकल गया हमें. So you heard that? They fired. आपका नाम थे? हाँ, मतलब वो बम का हम पकड़े गए. Because they fired. बात नहीं आए उनके, बम तो हमने पटक दिए. फिर उन्होंने ले जाके फिर उनको बमों पर रिसर्च करा कि भाई कितना टाइम का बम है, कितना क्या है, कितना क्या. पर आप भाग गए? हम भाग गए. हम तो और आपके वारंट निकले. आपने आपने बम ने क्रॉस नहीं कर. स्वतंत्रता सेनानियों को फिर उन्होंने भी इनका वारंट दे दिया. फिर हम बम्बई गए थे राज कपूर के, तो पृथ्वी राज कपूर. किसने? स्वतंत्रता सेनानी. कौन, कोई याद है? जब So they got to know there was a factory because there was a firing noise. So they heard the noise. So warrants were issued against some of them. So they were sent to Bombay to be, yeah, to be, and because Prithvi Raj Kapoor later also became, was he a Rajya Sabha member? लेकिन तब तो आप उनके पास चले गए. तो छुपाने के लिए छुपा दिया. फिर उसने क्या करा? तो ही हिट देम. तो उन्होंने क्या करा कि भाई हमें, हम बहुत बिजी रहते थे और हमें मोगरा मोगरा सब हम घूमते थे बंदे में रहते नहीं थे. तो खूब हमें So he gave them a car also, and they roamed around and they went boating and they were looked after very well. Prithviraj looked after. From Prithviraj Kapoor they were sent to Trilok Kapoor. फिर त्रिलोक कपूर के पास हम लोग, क्योंकि हम बहुत बिजी रहे. पृथ्वीराज कपूर के पास कितने दिन रहा आपने? हम कम से कम 2 महीने. हाँ, वो तो पहली बार हुआ होगा कि आपने कार में बैठा है? उसने गाड़ी नहीं, हमें गाड़ी का रोड एवरी डे जाना नहीं, वहाँ बॉम्बे बॉम्बे में आपकी आपकी जीवन में पहली बार कार में बैठा आपने? नहीं नहीं, कार में तो यहाँ भी जाते थे, भी जाते थे और कहीं भी. अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, चिकंजा छाना नहीं, ऐसा नहीं था. कोई भूखे भी थे, सब ध्यान रखते थे हमारे. क्या चल 10 लाख रुपए पूरा हो जाए. तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि बहुत मैं बिजी रहता हूँ. तो त्रिलोक कपूर कौन थे? वो उनका कोई रिश्तेदार, सम रिलेटिव.
फिर वो भी एक्टर था, हरा महादेव में महादेव बने थे, वो भी आ रहे थे क्या? हरा महादेव पिक्चर आई थी ना, इसमें वो महादेव बने थे, त्रिलोक कपूर, त्रिलोक कपूर बिके महादेव इन सम फिल्म कॉल्ड हर हर महादेव। फिर वहाँ कितने दिन रुके? वहाँ पर हम बम्बई में 7 महीने रहे। अच्छा, तो ये कब की बात है? ये खत्म हो गया फिर हमें, नहीं तो ये 42 के पहले की बात है कि नहीं, ये मोमेंट की बात है, नहीं कब की बात है ये इतना ध्यान नहीं देगा। चंद्रशेखर आजाद आया, वो आपने वो फैक्ट्री में लेके गए, बम जंगल में लेके गया, समझ गया। तो आजाद जी ने बम लेके गए उनके साथ? कौन? नहीं, वो फैक्ट्री में, वो सिर्फ देखने का ओनली विजिट। ओके, उन्होंने फिर उन्होंने और भी बदला के ये चीज और घेरने से बम ऐसा बना। अच्छा, और प्रभावी ही assisted them with a better formula of making bombs. For more effective, bombs. फिर वो पावरफुल कहने लगे कि भाई तुम कहते हो शेर आता है, he stayed the night to see when the sher comes, when the tiger moved. Yeah, so night all gara unhone sher aaya pani piya, wo upar chale gaya bindu chalai, to isliye darta tha sher ke bhai ye bindu se maar denge, ab hum to apna kaam karke chale jaoge, to wo isko malum ho gaya hamara bhi kaam ho gaya, to har aadmi nahi aa sakta। So the sher, they would always hold the gun, you know. So the sher had heard of some shots earlier. So would just drink water and go away, never trouble them. So एक रोज ऐसी स्थिति हो गई कि अंग्रेज लोगों ने मालूम थी कि अंग्रेज लोग घेरा देंगे यहाँ पर, बंद सराउंड कर दिया। गाल ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने रात था सर, रात के सामने दिया, आज जो है अशोक गलत कर रहे हैं, तो ये चिक 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 कर रहे हैं, क्या बंद हो जाएंगे क्या, इतना मतलब ये आर एस एस वाले कहीं राम के मंदिर तो चंद्रशेखर जी ने देखा कि सब चुपचाप रहे ना, तो पानी पीने आ गए, पानी पी के चले गए, फिर ये क्यों कर रहा है, ये शेर को मालूम है कि भाई तू तेरा काम करके चले जा, और नहीं तो हम तेरे की हालत कि तैने गड़बड़ी करी, तो फिर वो इसी टाइम जिस टाइम शेर आता है ना, उस टाइम ही वो शेर भगा अंग्रेजों के पीछे। सो व्हेन द अंग्रेज घेरोड देम, तो हमने कोई ऐसा वो जब नीचे उतरा तो हमने वो हटा के चला दिया, मतलब वोल्टेज का पता, फिर वो अंग्रेज लोग थी पर वो शेर भगा उनके पीछे, पानी तो पीना भूल गया वो, और शेर भगा उनके पीछे वो भगे साले, कोई पहाड़ी के नीचे गिर गया, कोई इधर गिर गया, इधर सो द अंग्रेज फोर्सेस surrounded them one day. Yeah, yeah. But when the sher came, they had also, they, you know, blasted some of the explosives that they had. These guys. They also knew that they had been surrounded. They blasted some of the explosives. So the tiger, without drinking water, fled and ran into those sources who had surrounded them. So they, you know, clamored here and there, ran away. And some clamored to get onto the trees here and there, and then some fell. They stayed on. अंग्रेज लोग भाग गए, जो पुलिस वाले भी मर गए। और उसके बाद पुलिस वाले कभी वापस आए नहीं? नहीं, वो फिर हिम्मत नहीं करते थे, वो तौबा करते।
पर ये बताइए, आपने पहली बात रखी कि काफी छुआछूत उस टाइम था, तो आंदोलन में छुआछूत आपने कभी महसूस? क्यों आंदोलन में अग्रवाल अग्रवाल है, चौधरी चौधरी है, जैन? हाँ, लेकिन सब हम बड़े मोहब्बत से रहते और हमें जब मालूम पड़े साथ खाना खाते थे। हाँ भाई, देखो सफाई से तो रहना चाहिए, सफाई से रहना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो थोड़ा डिसिप्लिन तो होना चाहिए। हाँ, अब आज की तारीख में हम भी मतलब इतना दूसरे एवरी डे खाते, शुरू से आदत तो बचपन से। तो आपके साथ खाना खाते थे? हाँ खाना खाते थे। और आप घर से खाना ले जाते थे, वो खाते थे आपके घर का खाना? ऐसी स्थिति आ जाती तो ले जाते थे, वो भी खोल के देखते थे कि क्या है, वो खाने लग जाते। तुमको खबर और आ रहा है आप चिंता मत करो, वो भूख लग जी। तो कांग्रेस पार्टी से जाते तो अग्रवाल भी खाते थे, जल्दी आपके घर का खाना वो ज्यादा जरूरी है, उनके घर का तो खा लो कोई भी। You understood that? Yeah, he said many times when they were hungry, they would open up artifact boxes also. Yes, I mean, so boy to काम कर रहे। तो common dining हुआ? साथ बैठ के खाना खाया। और कभी उन्होंने बोला आप छोटे महसूस नहीं होंगे? वो ये बोल कभी ड्रॉप इंडिया। हाँ, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अजमेर में। शुभराम जी, देखो आप जो पार्टी में रहा कांग्रेस पार्टी में, उसका लीडर्स और उसका कंट्रोल ज्यादा दूसरा जातिया में था ना, अग्रवाल बनिया। हाँ, अच्छा अच्छा। तो उनका आपकी तरफ उनका एटीट्यूड कैसा रहा? बहुत बढ़िया एटीट्यूड रहा, वो डाउट नहीं होने देते कि अगर डाउट हो रहा और ये भाग गया, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा थ्रू ऑफ इंडिया। यहाँ ही नहीं, थ्रू ऑफ इंडिया बहुत अच्छी मोहब्बत थी, सबके साथ खाते थे, चतुर काट के साथ कॉमन डाइनिंग मोड था, देयर वाज अ कॉमन डाइनिंग मोड, बहुत मजबूत, ओनली रियली सक्सेसफुल इन वो ईमानदार कह रहा जब ये मुल्क आ जाते। तो वहाँ मीटिंग थी तो कुछ थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल कुछ बोल गया अंग्रेजों के, तो वहाँ किसी को पकड़ लिया एक दो स्वतंत्र समय में, पब्लिक में फिर पुलिस को मारना चालू करो, स्वतंत्र समय नहीं है, फिर वो स्वतंत्र समय नहीं थे, सब भाग गए, पब्लिक लड़ती रही, फिर हम भी भागे। कहाँ था मीटिंग का? वो स्वतंत्रता सेनानी भवन, थोड़ा दूरी पे फिर हम भागे, नया सब बेहोश हो गया, फिर कोई अस्पताल ले गया, तो गोली तो जो गोली उछट के रखी अंदर। नहीं, ये पब्लिक मीटिंग था या सिर्फ वो संबोधित करते थे अंग्रेज भारत छोड़ आंदोलन को, और यही टॉपिक बोलते थे, ये गोली रगड़ खा के निकलती, वो पार नहीं हुई। तो जब तब आपको संभाला तो फिर अस्पताल में ले गए? अस्पताल में ले गए, हमें पता नहीं कौन ले गए, पब्लिक ले गए। बेहोश थे आप? बेहोश था, वी बिकेम अनकॉन्शियस। देखा फिर हमने, हम जब होश आया कृष्ण जी बोली आपके आपका भाग सारी आदमी हो जाके कुछ करना धर्म को जाके। लेकिन वो हॉस्पिटल में पुलिस वाले आए? हाँ पुलिस वाले आए, वो लिखत पढ़त करी, गिरफ्तार किया? नहीं गिरफ्तार, वो कह देना ठीक है यही सजा। अगर गिरफ्तार करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड करना है कि गोली मारा किसने, वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, नो डिफॉल्टर, हम मर भी जाते कोई परवाह नहीं, उनको बहुत से लोग मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए जब ये देश को आजादी मिला, जैसे कुरुक्षेत्र में झुंडिये कुंड भर गया था ना खून से, ऐसी ये मेरी माँ, ये मेरी माँ जो है खून से भरी है, इसका कोई ये मजे कर रहे हैं, ये माँ ने खून लिया, इसका बदला लेकर आएगी माँ, इसने 9 महीने पेट पर ये बदला लेके छोड़ा,
जितना महंगा इलाज गरीब आदमी से कुछ रोटी इतना महंगा, ये ऊपर आसमान को हेलीकॉप्टरों में देते हैं, हमें कोई गिला नहीं है, हमें कोई इनसे शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों? वो लोग तो मर गए, तुमने किताबों में नहीं छापा, सबको दफन कर दिया, जैसे माँ बाप को भूल जाता था कि रोज एवरी डे पेपर में आता, तो मैंने कोई अन्यथा में भर्ती है, कोई वो गवर्नमेंट ने खोल रखा माँ बाप बुढ़े माँ बाप भर्ती में, उनका कोई समझ नहीं आता, तो आज़ादी कोई ऐसी नहीं मिली है, ये माँ ने खून लिया कोई क्षेत्र से भी ज्यादा, छोड़ो इंडिया लाखों लोग मर गए, अजमेर में ही हुए, यहाँ पर सरस्वती बाल के विद्यालय हमारे जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने खूब लगा, तो गांधी जी बड़े बड़ा अड़चन में पड़ गए, वो कहते बहुत बड़ा काम कर स्कूल खोल दिया, मेरे मन की बात से भी ज्यादा आगाजी निकल गया, बहुत सरवाइव हो और आज भी मैं इसको संभालता हूँ इतनी हालत में, लेकिन मेरे आज भी निकलते हैं क्योंकि कोई नहीं मेरा साथ, अब मैं इकल्ला संभालता हूँ इतनी बड़ी जगह, तो करोड़ों रुपए की जगह आज शहर के बीच में, अब कई लोग मेरे से लालच देते हैं, अरे तुम क्या करोगे बाबा, तुम हमें दे दो, तुम इतना करोड़ रुपये दे दो, अरे मैंने कहा हमको क्या करना, हम मरेंगे जब कोई नहीं कुछ नहीं करेगा, क्यों नहीं क्या हमने लाखों लोग मर गए, हमें निष्पैसी को करना क्या, आपने कभी बाबा साहेब का विचार, बाबा साहेब का सोच, उसके बारे में आप कभी कंसीडर किया? बड़ौदा में एक जगह घाट ले गए राम नारायण जी ने भेजा, आप अजमेर रहते हुए अपने किसने भेजा आपको, राम नारायण जी ने किसके पास भेजा? डॉक्टर संपूर्ण जी के पास, अम्बेडकर, बड़ौदा आपने मिला? हाँ मिला, मेरे को डाक देकर आए, वो किस साल? दे टुक डाक टू हिम, डाक लेके गए मजा, फिर हमसे पूछा भी हाथ फेरा हमारे फोन पे, तो डाक लेके गए आप, मतलब आप जैसा, अब क्या पता इसमें क्या, कुरियर जैसा आपने गया? हाँ कुरियर, स्वतंत्रता सेनानी जी के डाक को जीपीए में खुल खुल के देखते, हमारे तो जब आप गए वहाँ बात किया उनसे? हाँ बात करा, किसके बारे में बात किया? आपका राज्य मैंने कहा ऐसा गांधी जी आए थे बड़े खुश हुए, क्या और कोई बेटे बात होते चिट्ठी लिख देना, मैं कोई तुम्हें मसीह करता क्या, आपने बोला मैं कोली जाति का हूँ, बोला बोला, तो उसके लिए क्या बोला उन्होंने? बोला कि ज्यादा कोली ऐसा लोग बोल दिया, हमने कोली जाति समझ गया, बहुत रिलेटेड आदमी थे, फिर सुनो देश जब बिल्कुल आज़ादी हो गया तो ये सब घबराए कि हम इसका विधान बना नहीं सकते हिंदुस्तान अम्बेडकर के से, ये सबको रिलाइज करना पड़ा, इस देश का विधान बन नहीं सकता, कोई बना सकता अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर, किसी की हिम्मत, कोई हाथ नहीं जोड़ा अम्बेडकर, वो खुद ने सबका हाथ जोड़ा था, बाबा इसका तो तू ही बना सकता, ये ब्रह्मा जी का पत्ता वहां भी लो, सबने कहा गांधी जी ने घबराए, वो क्यों? वो ये घबराया कि इसके साथ शेड्यूल कास्ट पूरे हिंदुस्तान का, जवाहरलाल नेहरू ने भी सोचा, और विष्णु काबिल आदमी है, इसने कितना दुख झेला कर इसको इस चौकट के बाहर पड़ाया इसको, इतना मतलब गिरा हुआ लोग हम लोग हिंदुस्तान, जैसे गांधी जी भी आपके प्रेरणा थे तो कहीं अम्बेडकर भी प्रेरणा रहे, आज भी हैं, बिल्कुल है, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे किया आपने, एक विचारधारा यहाँ पर अच्छा लगा माँ जिसको फॉलो कर, हाँ तो यहाँ पर फिर अच्छा लगा माँ, सो यू गॉट दैट, वेयर एवर
it was the merit was in following Gandhi, they followed Gandhi. Where there was merit in following Ambedkar, they followed Ambedkar. So आपने टकराहट नहीं देखी दोनों. So you never saw contradiction. अच्छा, अब जो है हाजा सर जो है वो जहर बदल गया. हाजा सर जो है, माफ करना, मैं अपना विचार कर, लेकिन स्वतंत्र संग्राम में आरएसएस कहीं नो इसमें उंगली भी नहीं कर रही. उंगली भी नहीं नो उंगली भी नहीं बापा कटी देन कट ऑफ उंगली भी नहीं कर रही. जब मुल्क आजाद था सब सुपंदा साना नहीं थे विधानसभा लोकसभा में. अगर आज वो जिंदा होते तो गलती नहीं कर सकती थी. और हमारी भी आदत यहाँ पर झोंपड़ी में नहीं देख सकते थे और जगह हमारे साथ ही थे. आप जैसे युवा को मेरा यही मतलब वो है कि ये तो ये बरगला दिया हिंदुस्तान को, आपको मिसगाइड कर दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनके हाथ में शासन आया नहीं था. अच्छा, कुछ हमारी गलती से शासन गया कांग्रेसी, क्योंकि गलत कांग्रेसी आ गई, इन्होंने भी माल बटोरना चालू करा, घर बनाना चालू करा. तो पूरी अजमेर की पब्लिक को जानते थे 3 बजे वहां पर मतलब संबोधित करेंगे स्वतंत्र सेनानी. ये अंग्रेजों ने जो राज कर रखा अपन को तो पता ही नहीं, 150 साल से 200 साल से राज कर रहे हैं. पब्लिक की आंखें खुली, हम अनलिटरेट पब्लिक, लिटरेट नहीं थे हिंदुस्तान में. लिटरेट होती तो आज आज़ादी मतलब ये मतलब कब्जा ही नहीं कर सकते. और आज भी जो जो ये कोरोना पड़ा, ये हमारा जो है एजुकेशन बहुत निकल बहुत लॉस हो, यानी क्या खाने को मत दो. हाँ, आज हम रियलाइज कर रहे हैं कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है. हमारी एजुकेशन इतना नहीं है, 9वीं क्लास पढ़ रहे हैं हम, बड़े पछताते. हमारे साथी जब वो IAS अफसर हो गए, आप यही इसी शहर में स्कूल में गया. हाँ हाँ, पढ़ते नहीं थे और हिम्मत में भी काम करते थे, यहीं पढ़ते थे. कौन सा स्कूल? स्कूल ये DAV स्कूल था, आर्य समाज स्कूल. DAV, हाँ, वेरी गुड स्कूल जमाने. क्योंकि वो अछूतों को कोई लोग भर्ती नहीं करते, यानी एक ये भी बीमारी थी. बिल्कुल, वो कहते हैं अरे कोई ये फलाना है, कहते अरे ये धूम है फलाना है. तो अब ये तो रही, अब मेरे जो यार दोस्त जो स्वतंत्र सेनानी थे मेरे उम्र के, वो लोग कोई IAS बन गया, कोई अफसर बन गया, कोई क्या, मेरे से वो कॉन्टैक्ट करते थे. वो नौकरी लग गई, हम किसी में देश आजाद हो गया जब वो तो नौकरी में चले गए. हमारे IAS में हाँ कलेक्टर बन गया, कोई चीफ इंजीनियर बन गया, कोई IDC बन गया, कोई बाबू बन गया, कोई कौन बन गया, जिसका आपने सोशल वर्क में ही रहा. हाँ हाँ, हम तो सेवा में ही रहा, सेवा में रहे. हम दो दफा पार्षद रहे इस वार्ड का, जहाँ पर अपनी बैठे काउंसिलर, म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑफ दिस वार्ड ट्वाइस. तो आपकी जब आप पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो DAV स्कूल में अंग्रेजों के राज के बारे में बात करते थे कि ये हम पे दमन कर रहे हैं, ये हम कर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, स्कूल में ऐसी बातें होती थी? नहीं, स्कूल में तो ऐसी बातें उनके शायद ही रहते थे. तो मतलब अपन ये चाहते थे कि वो स्कूल को डिस्टर्ब नहीं करें. ठीक है,
अगर ज्यादा अपन करेंगे वो स्कूल को बंद कर दे, रास्ता बंद कर दे, रजिस्ट्रेशन बंद कर दे, तो इनडायरेक्ट में काम चलता था। ठीक है ना, समझ गए ना आप? बिल्कुल, इनडायरेक्ट में हमें बुला बुला के समझाते थे। तो कहने का मतलब मूवमेंट भी है जब, तो वो जो है ये तो पढ़ाई की बात रहेगी। तो जो मैं ये कह रहा था कि भाई वो चिट्ठियों को खोल खोल के देखते थे, और वो चिट्ठियों को भी अब डाक को पहुंचाना बड़ा मायने रखता था। तो हमारी टोली बनाई उन्होंने, हमें ट्रेनिंग दी कि भाई इस माफिक से आपको ये चिट्ठी फलानी जगह पहुंचानी है, बड़ौदा में देनी है डॉक्टर अम्बेडकर को, क्या फलानी जगह आपको देनी है चिट्ठी। तो ऐसे हम लोग बच्चे लोग डाक को, और आर्य समाज में सन्यासी लोग हमें कुछ ऐसा वो अभ्यास करवाते थे जो लैट्रिन की जगह पर वे चिट्ठी को रख लेते थे। अगर वो शायरी देखते भी थे लैट्रिन की जगह पे, हाँ, जिसको हम जिसके अंदर दबा लेते थे चिट्ठी को, खोल खोल को हमें मालूम पड़ गया, अंग्रेज गवर्नमेंट को हम लड़कों की मालूम पड़ गया कि ये मूवमेंट के मतलब ये वो है, मतलब रात दूर ये खबरें पहुंचाते हैं। तो हमें नग्गा करके देखा, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है हम लोगों की मदद करते हैं, इनकी बीवियों को राशन पहुंचाते हैं, कुछ जैसा आपने दिया हमने दे दिया, किताब इनको ले जाते, इनके बच्चों को सब्जी दे दी, इनके घरों पर ले जाते, हम काम करते हैं बराबर, नहीं हम कोई ऐसे मने नहीं कर रहे। तो इधर कहाँ जा रहे हो? इधर हम मिलने जा रहे हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम। तो वो अब वो हमें डिस्टर्ब करते थे, रेल के अंदर चल रहे कि कहाँ पर जाएंगे आप, अच्छा मैं जाना कहाँ था, और हम बतलाते कहाँ थे। तो वो पहले से ही हमारे डिसाइड हो जाता था कि भाई ये लोग जो है आपको सराय रोहिल्ला के अंदर पकड़ेंगे, आपको सराय रोहिल्ला बनारस से थोड़ी दूरी है। तो उन्होंने हमको ये बोली कि डाक जरूर आनी चाहिए बनारस के अंदर बच्चों को, और सराय रोहिल्ला पे आपको घोड़े मिलेंगे, और आप चैन खींच लेना और घोड़ों पे फटाक से बैठ जाना। तो खींच लिया उन्होंने, घोड़े पे बाद में बैठेंगे। तो हम जो थे स्टीम का अध्ययन चलते थे, अध्ययन के अंदर हम जाके मतलब बैठ गए, और इसको ड्राइवर को हमने फिर ड्राइवर को पिस्तौल बदला दिया, तो हम जान से मार देंगे, और पहले हम पहले तेरे को मारेंगे फिर हम मारेंगे, हमें बदलाने में भोगी में बैठा दे, कोले की स्टैम के अध्ययन चलते थे कोले का, फिर भोगी में बैठ गए। कृष्णा शायरी आया परीक्षा के, सब देख लो कि बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर, तो देख लो। फिर वो इतनी देर रुकी रही, और वो घोड़े अंधेरे में आ गए, और हम घोड़ों में पहले कर गए, क्योंकि वो तो हमारे पीछे करते, हम ट्रेन से पहले बनारस पहुँच गए घोड़ों से। यानी हर चीज का हमने काम करा, क्या काम है एक एक कहाँ का चीज कर रहा हूँ। तो आपके माँ बाप ने इसको और आपने इसका संघर्ष कैसे किया, क्या स्थिति थी आपके माँ बाप की, गरीबी? हाँ, या गरीबी तो सबकी, काम कहाँ करते थे, क्या करते थे, क्या संघर्ष, क्या मजदूरी, जो भी मिल जाता था, जैसे कोई भी मजदूरी मिल जाता था, जैसे ये मिट्टी का बनाना, मकान ये बिल्डिंग, फिर रेलवे में लग गया,
So construction work, casual work in railways. हाँ फिर कोई कार लग गया, कोई सब्जी का धंधा करने लग गया, कोई बैंड बजाने लग गया, कोई क्या करने लग गया, कोई आईएएस अफसर बन गया। तो आपके पिताजी मजदूरी करते थे? नहीं, तो आप माता जी भी करती थी मजदूरी? नहीं, माता जी नहीं। आपके पिताजी और आपके ताऊ जी थे? कोई हमारा आड़त का काम था। हाँ, आड़ती थे, सब्जी मंडी 12 बजे खत्म हो जाती थी। सो यू गॉट दैट ना, हिज दोनों हिज ताऊ जी हिज फादर एल्डर ब्रदर वाज एन आड़ती। दोनों हमारे पिताजी दारू कभी नहीं पिया। हां सुनो, हिज ताऊ जी वाज एन आड़ती, the one who gives money, you know. And they never had alcohol. Father would also do aarti and also do mazduri. Sometimes also do aarti. So, at the sabji mandi. Sabji mandi at me. So, 12 khatam ho jata. Ha. Then, yeah. Yeah. So, Then, jo hai, wo जो है मतलब अच्छे लोग थे, दारू नहीं पीते थे, ताजू पीते थे। तो हमने भी आदत ऐसी घर में कोई दारू नहीं, नहीं तो समाज में तो पीते होंगे। He said all around this is known, the SCs are known, I mean there's this prejudice that they drink alcohol. He said all around people drinking, but my parents never. So what did his parents earn? How did they run the house? तो ये घर कैसे चलाते थे आपके माँ बाप? मैंने जो मिलता था किसी भी, तो गरीबी कभी भूखमरी भी थी इस दौरान? नहीं, अब दो टाइम एक टाइम खाते सबका यही आता भाई, दो टाइम भी एक टाइम खाते थे। So that time people would, everybody was eating once. इतना धंधा नहीं था, धंधा नहीं था, और क्योंकि काल भी तो पड़े थे उस दौरान। हाँ, काल पहले कौन से जमाने, एक तो छप्पनिया काल हो गया, उसके बाद भी तो एक पड़ा है ना 30 में या कुछ, एक बहुत बुरा। नहीं, 30 में तो आप भी तो वो जो ना पिताजी बतलाते रहते थे, तो कभी एक टाइम खाया तो कभी दो टाइम खाया। सबका यही हाल, पूरे पूरे गरीब का, गरीब का, गरीब का। और तो पढ़ाई लिखाई में आप बहनों ने भी पढ़ाई की या सिर्फ आपने? नहीं, मैंने की और फिर मेरी भी पढ़ाई, तुम जानो ये पूरे जीवन ही आंदोलन में पार्षद रहा दो। अच्छा, एक मैडम सेवा तो मैंने करी है, सेवा। हाँ, अब आप बताइए कि नेट बटन से जिंदा है। हाँ बताइए, बिल्कुल आप बताइए। बिल्कुल हाँ, देखो मैंने मेरे बच्चन ने सेवा करी है, अभी बीच में न बिल्कुल मर गए थे। अगली दिवाली पर सब बीच में, अगली दिवाली पर हाथ में लेके बैठी हूँ, मैं लेके बैठी हूँ, बिल्कुल ही गुजर गए थे ये। फिर कैसे हुए? ठीक, दुआ कर रही थी भगवान से।